और हमारा जो ये वेबिनार है वो फेसबुक लाइव हो चुका है, उसका लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में मिलने वाला है। एक मिनट के बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, एक मिनट का आप सबके पास समय है। प्लीज इनवाइट ऑल योर टीम फॉर द वेबिनार। और इस फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक मैं आप सबको चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो यहाँ पे आ भी ना पाए उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर कीवा काइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आप सबका वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार में, जहां पे आज हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट के बारे में। और मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, 10 मिनट, गिव मी अ फ्यू सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कीवा काइप इंडस्ट्रीज के इस नेशनल वेबिनार में मैं हरीश ठाकरान आप सब पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा वेबिनार है, आज के हमारे वेबिनार का जो टॉपिक है वो है स्लिम केयर प्रोडक्ट। यानी आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी हेल्प करेगा हमें स्लिम बनाने में, हमारे वेट को लूज करने में, उसके साथ साथ हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। और जब हम बात करते हैं कीवा काइप इंडस्ट्रीज का और स्लिम के रेंज का, तो हमारे पास जिन तीन प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो तीन प्रोडक्ट हैं आपके सामने। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, उसके साथ साथ हम बात करेंगे तुलसी ग्रीन टी, और बात करेंगे अबाउट मेदू हरा टैबलेट। और ये तीनों टैबलेट जब कॉम्बिनेशन में हम लेते हैं तो ये बहुत शानदार तरीके से हमारी हेल्प करते हैं हमारे वेट को लूज करने में, हमें हेल्दी बनाने में और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आज के वर्तमान हालात की, द करंट सिनेरियो। और आप सबको पता है कि आज के समय हम सबके सामने जो हालात हैं, जो सिचुएशन है उसकी बात करें तो आज के समय हर किसी के साथ कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, तनाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, ओबेसिटी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हमारे लाइफ के अंदर, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जंक फूड का सेवन ज्यादा हो गया है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। उसके साथ साथ हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो गए इनएक्टिव, यानी हम फिजिकली बहुत कम एक्टिव हो गए हैं। उसके साथ साथ जेनेटिक प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। उसके अलावा हमारे आसपास ओवरवेट और ऑबेसिटी का प्रॉब्लम भी लगातार देखने को हमें मिलता रहता है। उसके साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिसमें बात करते हैं हवा पानी, इन सब में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो इन सब फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और हमारी बॉडी को इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर हमें बींग ए कीवा डिस्ट्रीब्यूटर, बींग ए कीवा ट्रेनर, बींग कीवा पार्ट, अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो अपने आप को हेल्दी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, हमारा जो खान पान है, हमें उसको बनाना पड़ेगा संतुलित, हमें उसको बनाना पड़ेगा बेहतर, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर और अच्छा कर सकें। और इसी सिनेरियो में जब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार क्या है, कि जब हमारे भोजन के माध्यम से हमें लगातार एक बेहतर मात्रा में जो भी पोषक तत्व हैं हमें चाहिए, अगर वो हमें मिलते रहे तो उसको बोलते हैं एक संतुलित आहार। जैसे अगर बात करें संतुलित आहार का, तो उसमें हमें चाहिए होता है एक बैलेंस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स, डाइटरी फाइबर, पानी, विटामिन्स और मिनरल्स। अगर ये सब चीजें
हमें लगातार बेहतर मात्रा में मिलती रहे, तो उससे क्या होता है हमारा जो बॉडी का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो बेहतर तरीके से पूरा होता रहता है और हमारी बॉडी कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्दी रख पाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट का, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर हमारा डाइट अच्छा है, हमारा भोजन अच्छा है, और जब भोजन की बात करते हैं ना, तो हमारा जो भोजन है, हमारा जो डाइट है, हमारा जो खाना है, वो डिसाइड करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। क्यों? क्योंकि एक इंग्लिश में कोटेशन आती है जिसको बोलते हैं कि वी आर व्हाट व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट व्हाट वी ईट, यानी हम जैसा खाते हैं हम वैसे बन जाते हैं। तो अगर हमारी डाइट बेहतर होगी, हमारी डाइट संतुलित रहेगी जिसमें हमें सभी पोषक तत्व लगातार मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो चांसेस ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा, ओवरवेट और ओबेसिटी की संभावनाएं कम हो जाएंगी, कार्डिक प्रॉब्लम होने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। उसके साथ साथ अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगी और ना ही होगा हमें कुपोषण। उसके साथ साथ अगर हमारा डाइट अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर और डिसलिपिडमिया यानी इम्प्रॉपर लिपिड मेटा प्रोफाइल को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग और बाय मेंटेनिंग अवर गुड डाइट, गुड बैलेंस डाइट। तो जब बात करते हैं एक संतुलित पोषक आहार की, जो कहीं ना कहीं आज के समय हमारे खाने में हमें नहीं मिल पा रहा है, उसको अगर हमें पूरा करना है, तो इन सबको पूरा करने के लिए कीवा काइप इंडस्ट्रीज के पास एक बहुत शानदार सप्लीमेंट जिसका नाम है कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। एक ऐसा सप्लीमेंट हमारे पास अवेलेबल है जो हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट का, चाहे बात करें विटामिन का, मिनरल्स का, डाइटरी फाइबर्स का या प्रोटीन का, उसको पूरा करने में हेल्प करता है और हमें देता है एक बैलेंस्ड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हमारे स्वास्थ्य बेहतर हो सके। जब बात करते हैं हम कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर का, तो एक ऐसा आइडियल मील रिप्लेसमेंट है या कहें ऐसा आइडियल ब्रेकफास्ट है जो बेस्ड है सोया प्रोटीन, यानी इसके अंदर सोया प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। सोया के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा वे प्रोटीन, उसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा फोर्टिफिकेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा बहुत शानदार मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। उसके साथ साथ इससे हमें मिलता है एक बहुत बेहतरीन मात्रा में डाइटरी फाइबर्स जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने में हेल्प करेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, उसके साथ साथ वेट को मैनेज करेगा और मैनेज करेगा हमारे डायबिटीज के लेवल को। उसके साथ साथ इसकी बात क्या है कि कीवा मील रिप्लेसमेंट एक ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर कैलोरी की मात्रा बहुत कम है, फैट और सोडियम की मात्रा बहुत कम है, यानी कुल मिला के ये बनता है एक आइडियल मील जिसको हम अगर कंज्यूम करना स्टार्ट करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं कि कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर क्या है, और जब बात करते हैं मील रिप्लेसमेंट का तो उसका मायने क्या होता है। मील रिप्लेसमेंट मतलब हमारा जो नॉर्मल भोजन है उसको हम ना करके अगर हम कंज्यूम करें कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसिंग योर मील विद दिस मील रिप्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि हम जो मील करते हैं, भोजन करते हैं, क्यों, हमारा मकसद क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, वो बेहतर मात्रा में मिलते रहें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पोषक तत्व तो मिल जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरी का इनटेक है वो भी बढ़ जाता है और उससे हो जाता है ओवर वेट या ओबेसिटी। तो अगर आप यूज करते हैं या यूज करवाते हैं कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको मिलेगा एक शानदार बैलेंस न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा हेल्दी बनाने में। उसके साथ साथ इसके अंदर कैलोरीज, फैट और शुगर की मात्रा कम रहेगी। इसके अलावा ये आपको देगा एक बहुत बेहतरीन मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, ताकि आपका बॉडी स्वस्थ रहे, उसमें कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको फेस करना ना पड़े। उसके साथ साथ जब कैलोरीज, फैट और शुगर कम जाएगा तो हमारा जो वेट है वो भी हम इससे मैनेज कर सकते हैं। जब बात आती है वेट का, जब बात करते हैं वेट का, तो वेट को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है
एक हमारे पास पैरामीटर है, इसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक वो पैरामीटर है जिसकी हेल्प से हम रॉ तरीके से ये जांच सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो बात करते हैं BMI क्या होता है। BMI मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर इन मीटर, जो वैल्यू आती है वो कहलाता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। जैसे हम बात करें अगर किसी का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो आता है 18.5 से कम, तो उसको बोलते हैं अंडर वेट, यानी उसका जो वजन है वो नॉर्मल से भी कम है। अगर किसी का BMI आता है 18.5 से लेके 24.9 के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल वेट। अगर किसी का जो BMI है वो आता है 25 से लेके 29.9 तक, तो वो कहलाता है ओवरवेट। अगर किसी का BMI आता है 30 से लेके 39.9 तक, तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी। और अगर किसी का BMI आता है अबव 40, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड ओबेसिटी, या इसको बोल सकते हैं हम खतरनाक लेवल का मोटापा। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको निकाल के हम देख सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या हम अंडर वेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, ओवर वेट हैं, ओबीज हैं, या है मॉर्बिडली ऑबिसिटी। जैसे बात करें एग्जांपल की बात करें, अगर किसी का वेट है वो है 80 kg और उसका जो हाइट है वो है 5'6", यानी 168 cm, 1.68 meter, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं तो BMI आता है उस इंसान का 80 डिवाइड बाई स्क्वेयर ऑफ 1.68 और वैल्यू आती है 28.37, यानी वो इंसान ओवरवेट कैटेगरी में आ रहा है। उसी प्रकार अगर वैल्यू जो भी आता है उससे आप क्या करते हैं, हम निकालते हैं अपना आइडिया कि हमारा बॉडी वेट किस कैटेगरी में आ रहा है। तो एक ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है जो हमें बताने में हेल्प करता है कि विच कैटेगरी वी आर फॉलिंग। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ओबेसिटी का, मोटापे का, जो आज के समय एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका है। और मोटापा या ओबेसिटी जब भी आती है तो मोटापा कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ साथ आते हैं उसके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र। जैसे मोटापा आता है तो टाइप टू डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हाइपरटेंशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लिवर डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उसके साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो बढ़ सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मूड में डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है, कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब क्या है, ऑल दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी। अगर मोटापा आएगा, बढ़ेगा, तो ये सब भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी अगर हमें स्वस्थ रहना है और इन सब प्रॉब्लम से, इन सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से अपने आप को बचाना है तो हमें अपने वेट को मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आज या आने वाले समय में वी हैव टू फेस ऑल दीज प्रॉब्लम। तो बात करते हैं आगे, अगर हमें समझना है वेट मैनेजमेंट क्या होता है, चाहे बात करें हम वजन घटाने की, वजन बढ़ाने की, या वजन को मेंटेन करने की, उन तीनों चीजों को अगर आपने समझना है तो समझिए सिर्फ इस स्लाइड को, इस स्लाइड को देखिए और ये स्लाइड आपको बताएगी कि कैसे हम अपने वेट को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या कर सकते हैं मेंटेन। क्यों? क्योंकि ये जो स्लाइड है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर डेली एनर्जी बैलेंस कैसा है, और वो एनर्जी बैलेंस इंडिकेट करेगा कि हमारा वजन कम होगा, ज्यादा होगा, या रहेगा नॉर्मल। तो बात करते हैं फर्स्ट केस, अगर हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, उसके अंदर जो कैलोरी का इंटेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो है 2500 किलो कैलोरीज, और जो हम एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, वो सब करके अगर हम इतना ही कैलोरी बर्न कर देते हैं तो हमारे पास बचता है नेट जीरो कैलोरी बैलेंस, यानी इंटेक आउटपुट बराबर है तो बॉडी में कैलोरी बचेगा नहीं। यानी इससे क्या होगा, इससे हमारा वजन, हमारा वेट ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा, और रहेगा हमारा वेट स्टेबल। ये है एक अच्छे कंडीशन। लेकिन अगर हमारा जो खाने में जो कैलोरी लेते हैं, जो एनर्जी लेते हैं,
उसकी मात्रा बढ़ जाए, यानी इनपुट ज्यादा हो जाए और आउटपुट एक्सपेंडिचर हम कम काम करें, कम फिजिकल एक्टिव रहें, तो वो कम जलेगी कैलोरी और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज स्टोर्ड होंगी। एग्जांपल, अगर हम भोजन से लेते हैं 4000 कैलोरीज एक दिन में और बर्न करते हैं 2000 कैलोरीज, तो क्या हो रहा है, हर रोज हमारे बॉडी के अंदर 2000 कैलोरी डिपॉजिट हो रही है। और कैलोरीज जब डिपॉजिट होती है तो वो डिपॉजिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के रूप में वो कैलोरीज हमारी बॉडी में जमा होती रहती हैं और उनसे बन जाता है फैट और हमारा वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर हर रोज जो कैलोरीज है वो लगातार बढ़ रही है, वो पॉजिटिव हो रही है, उससे क्या होगा, इससे होगा वेट गेन। अब है तीसरा केस और वो है अगर हमारा कैलोरी का इंटेक हमारे खाने से है कम और हम एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं ज्यादा और बर्न करते हैं ज्यादा कैलोरीज, तो क्या होगा, हमारा इंटेक कम है आउटपुट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा वजन कम होगा, होगा वेट लॉस। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कंट्रोल रहे, मैनेज रहे, तो आपको एनर्जी बैलेंस को करना पड़ेगा जीरो। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो तो आपको कैलोरी बैलेंस को करना पड़ेगा नेगेटिव, अगर वजन बढ़ाना है तो कैलोरी बैलेंस को करना पड़ेगा पॉजिटिव। और इन तीनों चीजों में, चाहे वजन मेंटेन करना हो, वजन को बढ़ाना हो या वजन को कम करना हो, तीनों केस में हेल्प करेगा कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। अगर बात करें कैसे करेगा, तो अगर एक मैं बात करूं एक नॉर्मल इंडियन मील की, अगर हम एक भारतीय खाने की बात करें, चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या हो डिनर, एक टिपिकल इंडियन मील जो होता है उसमें एक मील में हमें जो कैलोरी मिलता है वो मिलता है लगभग 750 से लेके 800 किलो कैलोरीज हमें मिलता है एक मील से। तो अगर मैं लेके चलूं कि हमें मिलता है एक मील से 750 कैलोरीज, तो एक दिन में हमें मिल जाता है तीन मील से लगभग 2200 से लेके 2300 कैलोरीज। ये है हमारा मिनिमम कैलोरीज का इंटेक जो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन मेंटेन रहे, तो क्या करना पड़ेगा कि जितना कैलोरी आप लेते हैं उतना आपको बर्न करना पड़ेगा, तो वजन आपका रहेगा मेंटेन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो, आप वेट लूज करें, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कैलोरी इंटेक को कम करना पड़ेगा और बर्न करना पड़ेगा ज्यादा कैलोरी। और वहां पे हेल्प करेगा कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। कैसे करेगा समझिए, अगर हम लेते हैं नॉर्मल मील तो कैलोरी जाएगा हमारा एवरेज 750 कैलोरीज। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल मील को रिप्लेस कर देते हैं, उसके बजाय आप लेते हैं कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो इसकी एक सर्विंग में जो होता है 35 ग्राम का आपको मिलेगा मात्र 130 कैलोरीज। अगर बात करें नॉर्मल मील का तो कैलोरी है 750, लेकिन अगर आप लेते हैं उसको रिप्लेस करके एमआरपी मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो आपको मिलेगा 130 कैलोरीज मात्र, यानी आपका एक मील में लगभग 600 कैलोरीज आपको मिलेगा कम, अगर आप करते हैं अपने एक मील को रिप्लेस। और अगर आप चाहते हैं आपका वजन अच्छे से कम हो, जल्दी आपका रिजल्ट मिले, तो आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और डिनर शाम का उसको स्किप करना है और उसके बदले आपने लेना है कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। क्योंकि जब एक मील रिप्लेस करेंगे तो कैलोरी जाएगा 600 कम बॉडी के अंदर, दो मील रिप्लेस करेंगे ब्रेकफास्ट और डिनर तो बॉडी में जाएगा 1200 कैलोरी हर रोज कम। और साइंस ये बोलती है कि अगर आपको 1 पाउंड यानी 454 ग्राम वजन कम करना है, तो आपको अपनी बॉडी से 3500 कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। अब अगर मैं ब्रेकफास्ट और डिनर रिप्लेस करता हूं, तो मेरी बॉडी में एक दिन में 1200 कैलोरी कम जाएगा और तीन दिन में हो जाएगा 3600 कैलोरीज कम। यानी तीन दिन में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और डिनर रिप्लेस करके हम लगभग 454 ग्राम वजन को हम अपना कम कर सकते हैं, अगर हम यूज करें कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर को ब्रेकफास्ट में और डिनर में। उसी प्रकार अगर तीन दिन में 1 पाउंड तो एक सप्ताह में हो जाएगा हमारा लगभग 1 किलो वजन कम, और महीने में हम लगभग
अपना मील रिप्लेस करके 4 से 5 किलो वजन हम अपना कम कर सकते हैं बाय यूजिंग कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। उसके साथ अगर आपको वजन बढ़ाना है, अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ नॉर्मल करना है और खाना खाने के बाद आपने लेना है कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कैलोरीज एक्स्ट्रा जाएंगी और डिपॉजिट होंगी और आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो तीनों केस में हेल्प करेगा कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर वजन को मेंटेन करने में, वजन को लूज करने में या वजन को बढ़ाने में। कैसे करेगा, कैलोरी के इंटेक को बैलेंस करके, बढ़ा के या कम करके। अगर आप चाहते हैं वेट लॉस हो तो मॉर्निंग और इवनिंग का खाने को रिप्लेस करेंगे और लेंगे कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। उससे क्या होगा, बॉडी में कैलोरीज एक दिन में 1200 कैलोरी कम जाएगा और एक महीने में लगभग आपका 4 से 5 किलो वजन कम हो सकता है। अगर वजन बढ़ाना है तो ब्रेकफास्ट के बाद, लंच डिनर के बाद हम लेंगे कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो आपका क्या होगा, बॉडी में कैलोरी एक्स्ट्रा जाएगा और वजन बढ़ेगा। अच्छी बात क्या है कि जो प्रिपरेशन है, ये जो हमारे पास सप्लीमेंट है, इसके अंदर हमें मिलेगा एक शानदार मात्रा में प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कमजोरी को होने से बचाएगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर लाइफ। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा, बॉडी को सेटाइटी देगा और बनाएगा हमारा मसल मास और फैट को कम करने में हेल्प करेगा, प्रोवाइड करेगा सेटाइटी यानी संतुष्टि। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा डाइट्री फाइबर यानी कि रेशा। और जब हमारे खाने के अंदर, हमारे हमारे बॉडी के अंदर जाता है डाइट्री फाइबर, तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में आता है फिर से सेटाइटी यानी संतुष्टि। क्यों, फाइबर मतलब रेशा, जब फाइबर हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी आंतों में जाके क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, हमारी आंतें फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं और क्या होता है, लंबे समय तक हमें रहती है सेटाइटी यानी भूख नहीं लगती। उसके साथ साथ जब फाइबर आंतों में रहता है तो हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है वो अच्छा काम करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बीपी हमारा मैनेज हो जाता है और हेल्प करता है फाइबर इन द कंट्रोलिंग ऑफ डायबिटीज। तो इसको लेने से हमारा बीपी मैनेज हो सकता है, हमारा वेट मैनेज हो सकता है और हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने डायबिटिक के लेवल को भी, प्लस हम कर सकते हैं डाइजेशन को बेहतर। प्लस ये आपको देगा एक बैलेंस अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी को सपोर्ट करेंगे ताकि बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना रहे और हम रहें हेल्दी स्ट्रांग एंड फिट। तो ये एक बहुत शानदार फॉर्मुलेशन है जो हेल्प करेगा आपका बॉडी को, सपोर्ट करेगा बॉडी को, बनाएगा हेल्दी। तो बात करें इसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन का, तो पर सर्विंग में आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं जिसको बोलते हैं परसेंटेज डेली वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट इन कीवा एमआरपी। तो अगर आप बात करें वन सर्विंग का, एक टाइम आप लेते हैं तो वन सर्विंग आपको मिलेगा 130 कैलोरीज पर 35 ग्राम आपको मिलेगा, मात्र 1% फैट ना के बराबर, कोलेस्ट्रॉल मात्र 4 ग्राम मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट 11% मिलेगा आपको, डाइट्री फाइबर। उसके अलावा प्रोटीन का जो हमारा रिक्वायरमेंट है पर सर्विंग आपका हो जाएगा 18% वो पूरा। उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, B1, B2, B5, B6, B3, B12 आपको मिलेगा 25% इन सिंगल सर्विंग। उसके अलावा कैल्शियम 8%, आयरन 8%, फोलिक एसिड 20%, पेंटोथेनिक एसिड 20%। इस प्रकार से जो भी हमारी बॉडी का डेली नीड्स है पर सर्विंग आपको इसका ये मात्रा मिल जाएगा, यानी बॉडी में क्या होगा, कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगा, कैलोरी का इंटेक कम होगा, प्रोटीन मिलेगा और हमारी बॉडी रहेगी हेल्दी एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो बात करते हैं कि कीवा का जो मील रिप्लेसमेंट पाउडर है इसके कुछ शानदार हमें रिजल्ट मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको चीज नहीं मिलती जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको मिलते हैं एक एक्स्ट्रा हर्बल प्रिपरेशन और वो होता है ग्रीन कॉफी बीन। यहाँ पे डाले जाते हैं, ये आप देख पा रही है ग्रीन कॉफी बीन और यहाँ पे आपको मिलते हैं अनरोस्टेड ग्रीन कॉफी बीन। ये है अनरोस्टेड ग्रीन कॉफी बीन और ग्रीन कॉफी में पाया जाता है क्लोरोजेनिक एसिड। हर अनरोस्टेड ग्रीन कॉफी में होता है क्लोरोजेनिक एसिड। क्या करता है, ये एक बहुत बेहतरीन होता है मेटाबॉलिक इनहेंसर, यानी क्लोरोजेनिक एसिड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में जाके हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब रेस्टिंग कंडीशन में
जब हम आप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं या हम सो रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में, हमारी बॉडी कितना कैलोरीज को बर्न कर देता है वो कहलाता है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो जितना ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म होगा उतना बेहतर होगा, तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी का कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी उतना अच्छा होगा, उससे क्या होगा हमारी बॉडी में कैलोरीज ज्यादा जलेंगी और हमारा वेट जल्दी से लूज होगा। तो ग्रीन कॉफी बीन का क्लोरोजेनिक एसिड हेल्प करेगा हमारे वेट को लूज करने में, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, हमें एक्टिव बनाने में। उसके साथ साथ जो क्लोरोजेनिक एसिड है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है एक बहुत शानदार फंक्शन में जो होता है इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करना। क्लोरोजेनिक एसिड का ये गुण होता है कि ये हमारी सेल के ऊपर जो भी इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, ताकि जो वो इंसुलिन वहां पे पहुंच सके और पहुंच के जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड में है उसको सेल में पहुंचा दे। और इससे क्या होता है, इससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्लोरोजेनिक एसिड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करेगा और कंट्रोल करेगा शुगर लेवल को भी मैनेज करने में। उसके साथ साथ क्लोरोजेनिक एसिड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। और अच्छी बात क्या है कि कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर में आपको जो ये प्रिपरेशन है इसका जो जीआई वैल्यू है वो होता है बहुत ही कम, यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है, कम होता है। उसका फायदा क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं, हम कोई भी खाना खाते हैं और वो खाना खाने के 15 से लेके आधे घंटे 15 मिनट से लेके आधे घंटे में जो चीज जितना ज्यादा हमारे शुगर लेवल को बढ़ाएगी वो कहलाता है हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स। लेकिन हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी इसको जब कंज्यूम करेंगे तो इसको लेने से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो जल्दी से बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे रिलीज होगा ब्लड के अंदर और हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो डायबिटिक पेशेंट को भी हम ये रेकमेंड कर सकते हैं, ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, प्लस हेल्प करेगा इन द एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा, बॉडी को सपोर्ट देगा और हेल्प करेगा वेट गेन में, वेट लूज में या वेट को मेंटेन करने में। तो बात आती है कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर अगर आप लेते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या इसके फायदे हमें मिलेंगे। सबसे पहला फायदा क्या होगा, जो हमारा पोर्शन है यानी जो हम खाना खाते हैं वो हमें कम खाना पड़ेगा और बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी कमजोरी नहीं आएगा, हमारा वजन हम अपने हिसाब से कम ज्यादा या मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा इससे हम क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी की जो मात्रा इनटेक है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस हमें मिलेगा एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट, हेल्दी पोषक तत्व। उसके साथ साथ हमारी बॉडी को मिलेगा शानदार बेस्ट प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन, और उससे क्या होगा हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो शानदार बना रहेगा। तो कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर एक शानदार फॉर्मुलेशन है, प्रिपरेशन है जो हमारे वेट को मैनेज करने के लिए और एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत शानदार तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो बात आती है इसको लेते कैसे हैं, तो अगर किसी को वेट कम करना है या वेट मेंटेन करना है, अगर वेट मेंटेन करना है तो आप क्या कीजिए, आप आपका जो डिनर है उसको रिप्लेस कीजिए और डिनर के बदले आप लीजिए कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी का इनटेक रेगुलेट रहेगा, आपका वजन बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट और डिनर को स्किप कीजिए और बदले में लीजिए कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। लेना कितना है, 35 ग्राम ऑफ द पाउडर इन 250 ml ऑफ स्किम्ड मिल्क हम इसको लेंगे और मील को रिप्लेस कर देंगे। अगर वजन बढ़ाना है तो मॉर्निंग में, इवनिंग में खाना खाने के बाद हम लेंगे 35 ग्राम पाउडर इन बनाना शेक आफ्टर द मील। सो दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट का जो है कीवा तुलसी ग्रीन टी। और कीवा तुलसी ग्रीन टी भी एक बहुत शानदार हम कहें प्रिपरेशन हमारे पास है, इसका इस्तेमाल करके हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और वेट के साथ साथ ये अनेकों प्रकार से हमारी बॉडी को सपोर्ट करेगा, ताकि बॉडी के अंदर जो भी कुछ इश्यू या प्रॉब्लम हो सकते थे उससे हम अपने आप को बचा सकें। तो बात करते हैं कीवा तुलसी ग्रीन टी हमारी बॉडी के लिए क्या क्या फंक्शन करेगा। जब हम बात करते हैं ग्रीन टी का, तो ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी इज ए वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट रिच टी, यानी एक ऐसी चाय होती है जिसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर
जो भी फ्रेडिकल्स बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है और हमारी सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन को बचाता है फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल। और जब बात करते हैं ग्रीन टी का, तो ग्रीन टी के अंदर लेवल ऑफ पॉलीफिनॉल्स बहुत ही ज्यादा होता है, जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर दर्द और सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं और होते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक, यानी ये कैंसर की संभावना को भी कम करने में हेल्प करता है ग्रीन टी के अंदर पाया जाने वाला पॉलीफिनॉल्स। उसके साथ साथ जब बात करते हैं ग्रीन टी का, तो ग्रीन टी वेट लॉस के अलावा हमारे लीवर को सपोर्ट करती है, टाइप 2 डायबिटीज में हेल्प करती है और हेल्प करती है इन अजमेर डिजीज। उसके साथ साथ जब बात करते हैं ग्रीन टी का, तो ग्रीन टी के अंदर पाए जाते हैं कैफीन और EGCG। कैफीन आपने सुना होगा, इन यहाँ पे नया वर्ड है EGCG, इसको बोलते हैं ईपी गैलेक्टो कैटेचिन गैलेट, जो एक बहुत ही शानदार तत्व होता है जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है और बॉडी को बचाता है किसी प्रकार के नुकसान से या डैमेज से। उसके साथ साथ जब बात करते हैं ग्रीन टी का, तो ग्रीन टी के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट का ब्रेकडाउन है वो ज्यादा हो और हमारा फैट बॉडी से कम होना स्टार्ट हो जाए। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और जब एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो ग्रीन टी होती है वो क्या करती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और विद एक्सरसाइज जब कंज्यूम करते हैं ग्रीन टी को, उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ कंज्यूम करते हैं ग्रीन टी, तो आपका जो कैलोरी बर्निंग है वो 3-4% तक बढ़ सकता है और आपका फास्ट वेट लॉस हो सकता है। और जैसा हमने बात किया था, इसमें आपको मिलता है कैटेचिन, जो एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी को सपोर्ट करता है फैट को कम करने में। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको बचाता है ये नुकसान से। उसके अलावा इसमें आपको मिलता है तुलसी, और तुलसी एक बहुत हमारा वेल नोन, हमारे पास एक कंपोनेंट है, वेल नोन हर्ब है, वेल नोन सप्लीमेंट है, जो हमारी बॉडी के हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रोल को कम करता है, ज्वाइंट पेन को रिलीफ करने में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है, और साथ के साथ जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है उससे बचाने में हेल्प करता है तुलसी का एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा जब तुलसी को हम किसी भी दूसरे सप्लीमेंट के साथ लेते हैं, जैसे हम लेते हैं विद ग्रीन टी, तो उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी के अंदर जो कार्ब्स का क्रेविंग है वो कम हो जाता है, कैलोरी बर्निंग फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो तुलसी ग्रीन टी जब कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, इसको अगर आपने लेना है इसका बेस्ट रिजल्ट, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रिपरेशन जो बनाएंगे उसमें आप दूध और चीनी नहीं डालेंगे, टेस्ट के लिए यू कैन ऐड हनी, आप शहद डाल सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, आप गर्म पानी करेंगे, पानी को बॉयल करेंगे और बॉयल करके आप डालेंगे 1 टी बैग, उसको आप कुछ देर कवर करेंगे और जब 2-3 मिनट को छोड़ देंगे और फिर कंज्यूम करेंगे, तो बॉडी में जाके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और सपोर्ट करेगा इन द वेट लॉस। उसके साथ साथ जो टी बैग जो आपने यूज कर लिया है उसको फेंकना नहीं है, उसको स्टोर कीजिए रेफ्रिजरेटर के अंदर और उससे बनाइए अपना फेशियल प्रिपरेशन, जिससे अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने है, एक्जिमा है, स्ट्राइसिस है, पिंपल्स है, वहां पे आप इसके बाय प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में। उसके साथ साथ बात करते हैं हम अगले कॉम्बिनेशन की, जो आपको मिलता है इसके अंदर, वो मिलता है मेदोहरा टैबलेट और कीवा मेदोहरा टैबलेट, एक शानदार सप्लीमेंट हमारे पास है जो फैट को बर्न करने में हेल्प करता है और होता है 100% नेचुरल, 100% हर्बल। तो बात करते हैं इसके कंपोजिशन का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा निशोट, अग्निमोथ, त्रिफला के अलावा कोकम, मेथी, यष्टि मधु, चित्रंक, लहसुन और अर्जुन का कॉम्बिनेशन, अर्जुन का एक्सट्रैक्ट। और जब बात करते हैं इन सब हर्ब्स का, ये अलग अलग जड़ी बूटियां हैं या हर्ब्स हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी की हेल्प करती है, ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे, हमारा वेट कंट्रोल हो, हमारा बॉडी रहे फिट। तो बात करते हैं कैसे हेल्प करेगा,
तो पहला हमारे पास जो हर्ब है यहाँ पे वो है निशोट। और निशोट क्या करता है, निशोट होता है डिटॉक्सिफाइंग, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर करता है डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी बॉडी के अंदर गंदगी है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा फैट को बर्न करने में, उसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है निशोट। उसके अलावा जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर स्टोर हो जाता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है निशोट का एक्सट्रैक्ट। दूसरा यहाँ पे जो हर्ब है वो है अग्निमोथा, और ये होता है एक डायुरेटिक, यानी कैसा हर्ब होता है, जब उसको हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, इससे जो यूरिन का फ्लो है आउटपुट है वो बढ़ जाता है, और क्या होता है उसके माध्यम से जो टॉक्सिन्स हैं या एक्स्ट्रा पानी है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और हमारा वेट कंट्रोल या मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ अग्निमोथा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है, पेट के फूल जाने को, गैस बनने को रोकता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं अल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्टअप कर देते हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हर्ब का, जो होता है त्रिफला, और त्रिफला अपने आप में एक बहुत वेल नोन कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको मिलता है आंवला, हरर और बहेरा, जो हमारे पेट की हेल्थ को अच्छा करता है, आंतों को इम्प्रूव करता है, और पेट के अंदर आंतों के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे कोलन को सपोर्ट करता है और हेल्प करता है इन हेल्थी डाइजेशन, और हेल्प करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ वेट, क्योंकि त्रिफला एक वेल नोन सप्लीमेंट है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। उसके अलावा त्रिफला हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, और बॉडी के अंदर जो वाटर होता है एक्स्ट्रा उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है त्रिफला। तो इससे क्या होता है, जो ब्लॉटिंग है, जो पेट फूल जाता है, गैस बनता है, वो बनना कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हर्ब है वो है कोकम, और कोकम एक ऐसा हर्ब है जो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो क्या करता है, ये फैटी एसिड या फैटी टिश्यूज का बनना कम कर देता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फैट का स्टोरेज कम हो जाता है और हमारा वेट मेंटेन हो जाता है। उसके अलावा जो कोकम होता है वो क्या होता है, कोकम हमारी बॉडी के अंदर जाके कैलोरी बर्निंग को स्पीड अप करता है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाए और वेट कंट्रोल या मैनेज हमारा हो सके। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है मेथी, और मेथी कैसा हर्ब होता है, इसमें आपको मिलता है बहुत शानदार अपना हंगर कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी, यानी कि आप मेथी कंज्यूम करते हैं जो आपको मिलता है इसके माध्यम से, तो इससे क्या होगा, हमारा जो भूख है वो कंट्रोल होगा, उसके अलावा हमारा पेट भरा रहेगा, उसके अलावा कैलोरी का इंटेक कम होगा। क्यों, क्योंकि मेथी होता है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सोर्स ऑफ डायट्री फाइबर, जिसके अंदर रेशे की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है यष्टि मधु, जो इसके अंदर लेवल ऑफ फ्लेवर बहुत ज्यादा होता है, जो क्या करता है हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है, फैट की फैट एक्युमुलेशन को बॉडी के अंदर कम करता है और हमारे बीएमआई को रेगुलेट करने में हेल्प करता है यष्टि मधु का एक्सट्रैक्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे जो हर्ब है वो है मुलेठी, मुलेठी क्या करेगा, मुलेठी हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है, भूख को कंट्रोल करता है और जो ओवर ईटिंग हम करते हैं जाने में जाने में उसको रोकता है हमारा मुलेठी का एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो है चित्रक, और ये क्या करता है, चित्रक हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है और हेल्प करता है इन द वेट लॉस। और अगला यहाँ पे जो हर्ब है वो है लहसुन, और लहसुन के अंदर पाया जाता है सल्फर की बहुत ही ज्यादा मात्रा, जो वेट को कम करने में लॉस करने में हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि जो लहसुन है उसमें पाया जाता है एक कंपोनेंट को बोलते हैं एलिसिन, और इसके अंदर क्या होता है सल्फर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो हमारे क्या करता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है और एक्टिवेट करता है लॉस ऑफ फैट को। उसके अलावा इसमें होता है अर्जुन की छाल का एक्सट्रैक्ट, जो हमारे हमारे हेल्थ को स्पेशली हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है इन द वेट मैनेजमेंट। तो इसको लेते हैं, इसको लेते हैं मेदोरा टैबलेट को, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, सुबह शाम खाना खाने से पहले खाली पेट, और वो भी लेते हैं हम गुनगुने या गर्म पानी के साथ, क्योंकि जब बॉडी में जाएगा तो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा इन वेट लॉस। और ये तीनों चीजें कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, मेदोहरा टैबलेट और तुलसी ग्रीन टी हमें मिलते हैं एक रीपर्चेज किट के माध्यम से, जिसका कीमत होता है 2000 रुपए। और जब भी आप एक बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं या है पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप इस रिपर्चेज किट को परचेज करते हैं तो हर बार आपको मिलेगा
400 बिजनेस पॉइंट और 100 रिपर्चेज पॉइंट बीपी से आपको मिलेगा। आपका क्लब इनकम जो होगा 105% ऑफ द बीपी प्लस आपको मिलेगा 100 आरपी जिससे आपको मिलेगा बाइनरी इनकम पर पेयरिंग का ₹200 का मैचिंग। तो चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर नए हैं या पुराने, आप इसको बार बार खरीद सकते हैं और हर बार ले सकते हैं 400 बीपी और 100 आरपी। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है आफ्टर 10 अप्रैल 2021, और 10 अप्रैल 2021 से लेके जब आपका एक्टिवेशन हो जाता है उसके अगले 100 दिन में अगर आप 100 पेयर मैच कर देते हैं तो आपको मिलता है एक शानदार बोनांचा, जिसमें आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप ले सकते हैं 3 रात 3 दिन का थाईलैंड का टूर, या आप ले सकते हैं एक ब्रांडेड लैपटॉप, या आप ले सकते हैं एक ब्रांडेड प्रोजेक्टर। ये उनको मिलेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर नए हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर 10th of April 2021, और अपने एक्टिवेशन के अगले 100 दिन में अगर वो 100 पेयरिंग मैच कर देते हैं लेफ्ट राइट से तो उनको मिलेगा ये बहुत शानदार बोनांचा। और इसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा ये कीवा का रिपर्चेज किट, क्योंकि आज के समय हमारे चारों तरफ हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका वेट ज्यादा है, तो उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कीवा वेट मैनेजमेंट या स्लिमिंग किट, और हमारा बिजनेस हमारी ज्वाइनिंग एक्टिवेशन बढ़ेगा, तो हम ले सकते हैं इस ऑफर का बेनिफिट, हमारे इनकम को हम बढ़ा सकते हैं और दे सकते हैं अपने दोस्तों को रिलेटिव को एक शानदार स्वास्थ्य। तो ये था आज का हमारा सेशन द कीवा स्लिमिंग प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हमने बात किया कीवा मेल रिप्लेसमेंट पाउडर, कीवा तुलसी ग्रीन टी, उसके अलावा हमने बात किया कीवा मेदोरा टैबलेट जो बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है और हेल्प करेगा हमारे वेट को मैनेज करने में और देगा हमें एक शानदार हेल्दी बॉडी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, सुनने के लिए सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद, और आज का सेशन आपको जो जैसा भी लगा है आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक वो वैल्यूएबल हमारे लिए औजार हैं या कहीं टूल्स हैं या आपकी रेस्पेक्ट हैं जो बताते हैं कि हमें क्या इम्प्रूव करना है और क्या और बेहतर हम आपके लिए दे सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और इसका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर, उसको आप मैक्सिमम लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपका बिजनेस आपकी टीम आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और अगले 30 सेकंड में इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑफ द वेबिनार। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज शेयर इट मैक्सिमम ऑन फेसबुक ताकि इसका इन्फॉर्मेशन जानकारी सब तक पहुंच सके, क्योंकि इसका जो लिंक है वो आपको मिल चुका होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसका लिंक दे देता हूं, इसको आप मैक्सिमम लाइक कीजिए टैग कीजिए शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके और सब अपने आप को स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें और आपका बिजनेस आपके पे आउट्स बढ़ सकें। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, टिल देन टेक केयर, स्वस्थ रहिए आगे बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग विद कीवा, थैंक यू एवरीवन।